करवा चौथ जो है ये सत्यवान सावित्री के प्रकरण में प्रारंभ हुआ था। अर्थात पतिव्रत धर्म के लिए तो गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशामेव देहिनाम। श्री कृष्ण गोपियों के ही प्रियतम नहीं थे, उनके पति के भी प्रियतम थे। गोविंद एव पुरुषो ब्रह्माद्या स्त्रिय एव ही, पद्म पुराण कहता है केवल श्री कृष्ण परमात्मा जिसे कहते हैं, और जितनी आत्मा है वो सब स्त्री है। अब वो कभी पुरुष का शरीर मिल जाता है, कभी स्त्री का मिल जाता है कर्म के अनुसार, लेकिन ओरिजिनल उनका रूप स्त्री का ही है। इसलिए पुरुष भी सब स्त्री हैं, और स्त्री को तो बड़ा सुविधा है क्योंकि वो शरीर से भी स्त्री है और आत्मा तो सब स्त्री होती ही है। भगवान की उपासना में स्त्रियों को बहुत आसानी है, पुरुष को तो सोचना पड़ता है मैं स्त्री हूँ, सुंदर हूँ, इतने साल की हूँ, श्याम सुंदर, अब मेरी ओर देख रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब छेड़ रहे हैं, ये सब बनाना पड़ता है भाव, और स्त्रियों का तो स्वाभाविक है। इसीलिए वेद व्यास ने कहा था कलिश साधु स्त्री साधु। कलयुग बड़ा सौभाग्यशाली है जो कलयुग में है, और स्त्रियां बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं। अस्तु, मतलब यह है कि सभी स्त्री हैं और उन आत्माओं का एकमात्र प्रियतम परमात्मा ही है, और हम अपने स्वार्थ की दृष्टि से हरि गुरु दोनों की ही उपासना करते हैं, दोनों के ही हम भक्त हैं, दोनों के लिए ही हमारी मंगल कामना होती है। जैसे हम संसारी माँ बाप बेटा आदि की मंगल कामना करने के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, हमारा बेटा मरे नहीं और उम्र बड़ी हो इसकी। संसार में जितने लोग करवा चौथ मना रहे हैं, ये बेचारे क्या जाने आत्मा वात्मा का हाल, ये तो बस हमारे पति की उम्र बढ़ जाए और हम चप्पल जूते खाते रहे हमेशा, यही तो मांगती है ये, उम्र बढ़ जाए, मेरे पति की उम्र बढ़ जाए ताकि हम चैन से न रहें, वो हमको दुरुस्त करता रहे रोज। और क्या होता है संसार में, तो ये आध्यात्मिक करवा चौथ आप लोग मना रहे हैं और उसी भावना से मनाना चाहिए।